हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो आईसीएआई ने दिए हैं। और ये मेजॉरिटी क्वेश्चंस ये फाइनल के हैं, लेकिन काफ़ी सारे इसमें दो तीन कॉमन भी हैं जो आईपीसीसी के लिए, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ इंस्टीट्यूट ने रखे हैं, तो हमें करने ही चाहिए एग्ज़ाम से पहले। ओके, वी शुड नॉट टेक रिस्क। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी एग्ज़ाम नज़दीक है तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन सेट टू में क्या है, क्वेश्चन ऐसा है, इसके आंसर्स भी अवेलेबल है डियर फ्रेंड्स डिटेल में, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करके हम समराइज डिस्कशन करके आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में रहेगा कि ऐसा कुछ था। विजडम पब्लिक स्कूल ए हायर सेकेंडरी स्कूल इन दिल्ली, स्कूल है। इट इज़ अ व्यू दैट नो टैक्स इज पेएबल ऑन एजुकेशन प्रोवाइडेड बाई टू इट्स स्टूडेंट्स एज एजुकेशन प्ले सिग्निफिकेंट एंड रेमिडियल रोल इन बैलेंसिंग सोशल इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ country. Examine whether GST law provides any exemption to supply of goods and services in particular in reference to school. तो आपको पता ही होगा ये बहुत कॉमन चीज़ है, पहले से हम पढ़ चुके हैं एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर। तो हाँ, ये सिचुएशन जो है वो राइट है, इस पर GST नहीं आएगा। सर कहाँ पर लिखा है, तो ऐसा आपको मिलेगा सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 इज एग्जम्पशन सेक्शंस, वहाँ पर आपको मिलेगा। ओके, दूसरा, मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई ऑफन पार्टिसिपेट्स इन ज्वेलरी एग्जीबिशन, पार्टिसिपेट्स इन ज्वेलरी एग्जीबिशन इन दिल्ली विच इज़ ऑर्गेनाइज एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। मिस्टर एक्स अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन इन जनवरी, द प्रॉपर ऑफिसर डिमांडेड एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स इक्विवेलेंट टू एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर एडवांस टैक्स इज पेएबल। तो ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि सर एडवांस में क्यों, लेकिन आप समझो अपना बिजनेस कहाँ पर था, मुंबई में, अभी हम जा कहाँ रहे हैं, दिल्ली में, उसका मतलब क्या है, ये सिचुएशन हो जाएगी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की। और आपको पता है टैक्सेबल पर्सन को एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, फिर उसको एडवांस में सेल्स लायबिलिटी के बेसिस पे सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और बाय डिफ़ॉल्ट आप जितने दिन का मांगो उतने दिन का रजिस्ट्रेशन या 90 डेज़ का मिलेगा, विच इज़ फर्दर एक्सटेंडेड बाय अनदर 90 डेज। सो द सिचुएशन गिवन ओवर हियर इज़ करेक्ट। ओके, सो इट इज़ करेक्ट, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मीन्स ऑफिसर इज़ करेक्ट। थर्ड, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्लेस ऑफ सप्लाई का क्या इंपॉर्टेंस है, देखो प्लेस ऑफ सप्लाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो है इंट्रा या इंटर। सर उससे क्या होता है, आपको पता है इंट्रा के अंदर आपको CGST प्लस SGST पे करने का रहेगा, और दूसरा यहाँ पे क्या पे करने का रहेगा, IGST। और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ सप्लाई इसीलिए क्योंकि GST जो है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स यानी क्या, जहाँ पे गुड्स कंज्यूम हुए वहाँ पे आपको टैक्स पे करना है, सो इट इज़ नोन एज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। फोर्थ वन, वाई डज GST लॉ प्रोवाइड सेपरेट रूल्स फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर B2B एंड B2C। स्पेशल रूल इसीलिए आप समझो, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पे क्या होता है, सामने वाली पार्टी को क्रेडिट लेना है, इसीलिए यहाँ पे B2B के प्रोविजंस अलग रखे हैं। और B2C में क्या होता है, जनरली कस्टमर, तो कस्टमर के लिए वो कॉस्ट हो जाता है, उसे उसका क्रेडिट नहीं लेना होता है, इसीलिए दोनों के प्रोविजंस उन्होंने मेजोरिटी जगह पर अलग रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर किंग साइज एयरलाइंस इश्यूड टिकट पास टू मिस्टर सक्सेना द विनर ऑफ एनुअल लकी ड्रॉ ट्रैवलिंग टू एनीवेयर इन इंडिया, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ CA फाइनल। CA यहाँ पे क्या होता है कि जनरल रूल ऐसा था 12(9) के अंदर, जनरल रूल ध्यान से सुनो, जनरल रूल ऐसा था कि जहाँ से आप प्लेन में एम्बार्क करो दैट बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या है, आपको लकी ड्रॉ मिला, आप कहाँ से बैठने वाले हो वो हमें पता नहीं, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स डिफॉल्ट रूल। ओके, और डिफॉल्ट रूल के अंदर क्या था आपको पता ही होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपियंट विच इज़ इन अवर रिकॉर्ड्स, अपने रिकॉर्ड्स में जो भी उसका है उसी को मान लेंगे कि ये एड्रेस है। अगर अगर सर हमारे पास रिकॉर्ड्स पे उसका एड्रेस नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर। ओके, तो डैट इज़ अ डिफॉल्ट रूल विच विल बी एप्लीकेबल ओवर हीयर। दूसरा, मिस्टर BNW इज रजिस्टर्ड पर्सन डीलिंग इन कार्स हैज सेंड सम गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग टू LNK जॉब वर्कर, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर सेंड बाई BNW टू LNK विल ट्रीटेड एज सप्लाई। तो आंसर इज यस, बिग यस, हमें पता ही है, अभी अगर आप जॉब वर्कर के लिए गुड्स बेचोगे तो उस पर GST लग जाता है। नेक्स्ट इज सिमिलर टू दैट, मिस्टर बॉन्गिस फर्नीचर हैज़ फर्निश लॉग बुक अपॉन 20 लैक्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड डायरेक्टेड सप्लायर टू डायरेक्टली सेंड टू दिस, यानी क्या किया, गुड्स हम अपने वहाँ नहीं लेके आए, सीधे जॉब वर्क में गए।
पैसा चलता है। उन्होंने पूछा है क्या आप उस पर जीएसटी या इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाओगे, तो अगेन आंसर इज़ यस, लॉ में बोला है हाँ आप ऐसा कर सकते हो, और डायरेक्टली आपके वहाँ लाने की जगह सीधा जॉब वर्कर के वहाँ पर आप भी भेज सकते हो और क्रेडिट भी ले सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है सब्जेक्ट टू, कि आपको ये गुड्स जॉब वर्कर के वहाँ पहुँचे उससे एक साल के अंदर अपने वहाँ ला देना है। ओके, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर एक्स इज रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाइड द फॉलोइंग गुड्स टू मिस नीतू फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑन जॉब वर्क। तो क्वेश्चन ऐसा है कि भाई यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेयर प्रोविजन ऑफ जॉब वर्क इज एप्लीकेबल टू ऑल कैटेगरी ऑफ गुड्स। देखो ये क्वेश्चन जो पूछा है उन्होंने थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है और इसका आंसर उन्होंने थोड़ा क्लैरिटी से नहीं दिया, लेकिन सुनो जॉब वर्कर प्रोविज़न अलग चीज़ होती है, वो एप्लीकेबल तो होगा, लेकिन यहाँ पे टैक्स के एंगल से अगर बात करें तो सिर्फ इस पे टैक्स लगेगा, क्योंकि जॉब वर्कर जो है वो टैक्सेबल गुड्स में डील करते हो तो क्या होगा, गुड्स में जीएसटी लग के आएगा। लेकिन अगर आपके गुड्स ही एग्जेम्प्ट है, अगर आपके गुड्स ही नॉन टैक्सेबल है, तो इसमें जॉब वर्कर का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज इट मैंडेटरी दैट जॉब वर्कर एंड प्रिंसिपल शुड बी लोकेटेड इन सेम स्टेट। क्या बोला है उसने, मैंडेटरी। तो डी एफ एस ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, कहीं पे भी आप हो सकते हो, पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप जॉब वर्कर और प्रिंसिपल बेसिस पे काम कर सकते हो। 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन माय व्यू पॉइंट इट इज़ एक्सट्रीमली ट्रिकी क्वेश्चन, और ये है ना आईपीसीसी में भी है डी एफ एस, ये आईपीसीसी का भी है। जैसे मैंने आपको बताया थोड़े क्वेश्चन आईपीसीसी में भी है, थोड़े फाइनल में, बट दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। मिस्टर जैद इज़ रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश, अभी आपको पता है हिमाचल प्रदेश इन स्पेशल कैटेगरी। उसने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया अपेरल्स का, एग्रीगेट टर्नओवर उसका था 70 लैक्स, ही ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी एंड एंडेड पेइंग टैक्स एज पर कंपोजिशन स्कीम, प्रॉपर ऑफिसर एज लेविड पेनल्टी, इज इट ओके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपोजिशन लेवी की लिमिट क्या है, तो आंसर इज 1 करोड़। फिर आप सोचोगे नहीं सर ये तो हिमाचल प्रदेश है, ओके तो 75 लैक्स, सर ये उससे कम है तो वो जा सकता है। देखो यही ट्रिक क्वेश्चन है, आपको क्या लगेगा 75 से कम है तो जा सकता है, उसमें मना नहीं है, लेकिन आपको पता है कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, और यहाँ पे मिस्टर जैद ने कर दिए हैं। उसका मतलब क्या होगा कि जो भी एक्शन प्रॉपर ऑफिसर ने लिया है वो परफेक्ट है, और यहाँ पे मिस्टर जैद को पेनल्टी होगी। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद थियोरिटिकल क्वेश्चन है, जो आप डिटेल में पढ़ सकते हो, अपने नोट्स में भी है। 11, व्हाट इज मेंस रिया, मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड। ओके, अगर कभी गलती हो जाती है तो बात अलग है, लेकिन जब इंटेंशनली गिल्टी माइंड है या कल्पेबल मेंटल स्टेट है, ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, हम जब क्लास में डिस्कस करते हैं तो याद आता है, तो वो बहुत ज़रूरी है प्रोसिक्यूशन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किसी का मर्डर करते हो तो आपको फांसी की सज़ा हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई जेन्यूनली और एक्सीडेंट में एक आध जन मर गया है तो वो मेंस रिया नहीं है, तो आपको फांसी की सज़ा नहीं होती। उसी तरह से प्रोसिक्यूशन के लिए गिल्टी माइंड होना ज़रूरी है। 12th पॉइंट इज ए टैक्स ऑफिसर कैन सुओ मोटो आस्क एसएससी टू पे प्रोविजनल टैक्स। तो ऐसा प्रोविजनल टैक्स के लिए आप बोल सकते हो सुओ मोटो, तो आंसर इज नो, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। 13, मिस्टर वेंकटेश्वर टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी फाइल प्रिस्क्राइब रिटर्न ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्क्रूटिनी, प्रॉपर ऑफिसर डिटेक्टेड डिस्क्रिपेंसी एंड वेंकटेश्वर वॉज आस्क टू एक्सप्लेन, हाउएवर वेंकटेशन कुड नॉट ऑफर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अभी देखो उसने आपको क्वेश्चन पूछा और आप आंसर नहीं दे पाओगे तो फंसोगे। अभी यहाँ पे ऑफिसर के पास कितने सारे पावर्स इन्वोक हो जाएंगे, सबसे पहले सेक्शन 55 में वो आपके वहाँ ऑडिट करने के लिए बोल सकता है, सेक्शन 66 के वहाँ आपके वहाँ स्पेशल ऑडिट के लिए बोल सकता है, स्पेशल ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट किसी से भी करवाने के लिए बोल सकता है, सेक्शन 67 इंस्पेक्शन सर्च सीजर कर सकता है, सेक्शन 73 एंड 74 इसके अंदर फिर आपके सामने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, यानी अगर आप आंसर नहीं देते तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक काम है। 14 के अंदर मिस्टर वैष्णव रजिस्टर्ड टैक्स पेयर पेज रेगुलरली स्कीम बट फेल टू फाइल रिटर्न इन जनवरी, तो क्या होगा, नोटिस भेजी जाएगी। कौन सी नोटिस, हमें पता है नोटिस फॉर रिटर्न डिफॉल्टर, रिटर्न डिफॉल्टर की नोटिस जाएगी, उनसे फिर हम पेनल्टी ले लेंगे। फिर क्वेश्चन है समरी असेसमेंट ऑर्डर अगेंस्ट मिस्टर कन्हैया मित्तल अंडर जीएसटी, मिस्टर मित्तल डजंट विश टू टेक रिकॉर्स टू अपेलेट मशीनरी अगेंस्ट असेसमेंट ऑर्डर, ही हैज़ अप्रोच यू फॉर सीकिंग एडवाइस, वेदर देर इज एनी रिकॉर्स अवेलेबल
तो आंसर इज यस अवेलेबल। समरी असेसमेंट के सामने आप जा सकते हो हायर अथॉरिटी में, और हायर अथॉरिटी को आप प्रूव करो कि सर ये गलत ऑर्डर पास किया है, तो इसके सामने स्टे पॉसिबल है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ख़त्म होता है। एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।